नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। पार्टी की जीत में कई ऐसे विधायक रहे जो दोबारा अपनी सीट से चुनकर आए हैं, जिसमें लोनी के विधायक नंदकिशोर गुज्जर भी है। नंदकिशोर अपने बयानों के लिए पिछले कार्यकाल में भी चर्चा में रहे थे और इस बार भी विधायक बनते ही उन्होंने विवादित बयान दे दिया है। नंदकिशोर गुज्जर चुनाव जीतने के बाद मीडिया से पहली बार मुखातिब हुए। यह नंदकिशोर ने जनता का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले 5 सालों में वह क्या करेंगे ये तो बताया ही, साथ ही यह भी चेतावनी दे डाली कि लोनी में बिना अनुमति के एक भी मांस मीट की दुकान या होटल नहीं खुलेंगे। यूपी में चुनाव के बाद सपा गठबंधन की करारी हार को लेकर पहली बार शिवपाल यादव मीडिया के सामने खुलकर सामने आए। शिवपाल यादव ने कहा कि जमीनी स्तर पर सपा के पक्ष में अच्छा माहौल था, हालांकि कहीं ना कहीं कुछ खामियां जरूर रह गई है जिससे दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और जो खामियां रह गई है उन्हें दूर करेंगे। जनता का जनादेश जो मिला है उसका स्वागत और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई और धन्यवाद, और अपने जसवंत नगर के जनता को धन्यवाद जिन्होंने बहुत वोटों से लगातार छठवीं बार लगभग 91,000 के लगभग वोटों से जिताया। इसके लिए जसवंत नगर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद। यूपी की रामपुर सीट पर विजय हुए आजम खान को जल निगम घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। आजम खान को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर भर्ती घोटाले में आजम खान को दोषी करार पाया गया था। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।